हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम मैट्रिक्स से एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। क्वेश्चन क्या है, इफ मैट्रिक्स है 1 1 माइनस 1 इनटू एक्स वाई इक्वल टू 2 4 देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या है इधर फाइंड करना है। ठीक है, इधर फोर ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है उधर फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, हम इसको लेंगे 1 1 माइनस 1 1 इनटू मैट्रिक्स एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 2 4 करके है। अभी क्या लेना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, मल्टीप्लिकेशन करना है, एलिमेंट्स को ऐसे लेना है। सो 1 इनटू एक्स एक्स 1 इनटू वाई प्लस वाई, ओके दैट इज इक्वल टू, ओके इस तरह मैट्रिक्स आएगा ये। सो सेकंड रो कॉलम माइनस 1 इनटू एक्स माइनस एक्स 1 इनटू वाई प्लस वाई दैट इज इक्वल टू क्या है 2 4 है इधर, इस तरह से आएगा ये। ठीक है, सो इक्वालिटी मैट्रिक्स आपको पता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन दोनों को ऐड करना है। इट एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर ऐड किया तो ये दोनों प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अगर 2y इज इक्वल टू 6 आ गया, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया 6/2 और देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 आ गया। सो वी गेट y वैल्यू हियर 3 करके x भी फाइंड करेंगे। ओके, नाउ फ्रॉम 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 y वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 1 में डालो। x plus y, y क्या है 3 है, इक्वल टू 2 है। सो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 ना, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1। सो हमको x का वैल्यू क्या मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 3, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आप वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए। सब्सक्राइब किया तो आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको दूसरी मैथमेटिक्स वीडियो चाहिए तो मेरे YouTube के प्लेस में जाइए, आई बटन में भी कुछ लिंक्स है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।